नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर के बाहरी इलाके पे मौजूद हैं। खालिसपुर गांव का नाम है और यहां हम आपको गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के बारे में बताने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी के जलस्तर में निरंतर जो है इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जो आंकड़े प्रशासन की तरफ से साझा किए जा रहे हैं उसके अनुसार लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। आसपास के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ को लेकर के चिंता बढ़ गई है। विगत कुछ सालों में गंगा की बाढ़ से फसल को खासा नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है कि गंगा के किनारे स्थानीय किसानों ने सब्जियों की खेती की है और अगर जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता है तो ये सब जलमग्न हो जाएगा और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो नाविक है, जो निषाद समाज है, उनकी भी आजीविका गंगा नदी से ही चलती है। उनको किस तरीके की समस्या झेलनी पड़ रही है, नावों को लेकर के क्या कठिनाई होती है गंगा का जब जलस्तर बढ़ जाता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कुछ स्थानीय नाविक हैं हमारे साथ, उनको अपनी बातचीत में शामिल कर लेते हैं। जैसा क्या नाव पड़ी अपन? सीताराम निषाद। हाँ, तो क्या काम करें आप? मछली काम कर। अच्छा, तो मछली मारते हैं आप आजीविका के लिए? तो प्रतिदिन जो है सामान्य दिनों में, अभी तो जैसे कि जल स्तर बढ़ा हुआ है और सामान्य जब जल स्तर सामान्य रहता है तो अब और पहले मछली मारने के लिहाज से क्या अच्छा पड़ता है? मछली मारने क्या, जो मछली मारने जो समय रहता है मछली, समय तो दरिया भर गया तो कहाँ से मछली मारे, बैठ के खा रहे हैं तो इस समय मतलब मछलियाँ नहीं निकल रही। नहीं, ऐसा क्यों होता है कि जब सामान्य जल रहता है तो मछली रहता है, तो ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी आना चाहिए, तो ज़्यादा पानी हो गया तो जैसे पानी तेज है, लहर है। अच्छा, इसमें लहर है तो इस समय वहाँ नहीं जाएंगे लोग, खतरे के कारण नहीं आते। अच्छा, मैं जब आया तो आप अपने कुछ नाव पे मरम्मत का काम कर दे रहे, नाव के पास आप चलेंगे और हमें बताएंगे कि क्या जब आप लोग नाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं बाढ़ के वक्त तो आम तौर पर नाव में क्या मेंटेनेंस, क्या मरम्मत आप लोग करते हैं? ये टीन शीट आपने अभी लगाई? अच्छा, तो एक नाव जो इस तरह की जो नाव है इसको बनाने में लगभग खर्च कितना आता है? अच्छा, ये नाव आपकी 70-80 हज़ार रुपये की है और साल में इसके मेंटेनेंस में कितना खर्च आता है? साल में मान लो ये खाली बनाने में खर्चा है, इसे तो मान लो साल में 2-3 हज़ार रुपया मान लो जो हल्का तरह पानी आया है। अच्छा, उसी के लगाते हैं, मान लो लकड़ी जब खराब हो जाएगी, लकड़ी खराब होगी। अच्छा, जैसे जैसे खराबी आती है उसको ठीक करते जाते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मछली मारकर के आजीविका आपकी चलती है, औसत में एक दिन में सामान्य दिन जब रहे, जबकि पानी का जल स्तर सामान्य रहे और हवा का रुख भी आपके खिलाफ न रहे, कितने की आमदनी हो जाती है मछली? कोई भरोसा नहीं। अच्छा, फिर भी अंदाजा नहीं? अंदाजा तो है, जैसे मान लो जो 200-400 रुपये मिल जाता है ना, तो जो खाने के लिए है वो भी मान लो डाढ़ हो जाता है। अच्छा, तो लेके जाते हैं, मछली के ऊपर होते हैं ना, कभी मान लो कि चलन करेगी, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, दरिया की चीज़ है। अच्छा, उसमें क्या भरोसा है, कहाँ मिलेगा, तो अंधेरा घर है ना, मिल भी सकती है? नहीं, नहीं मिल मिल। तो ये जो मोटर से चलाते हैं कि चप्पू से चलाते हैं? खुद ही हाथ से। अच्छा, जो नाव। अच्छा, तो नाव का जो ये जो पैमाइश होती है, ये अलग अलग नाव की अलग अलग जो है कि लंबाई होती है, तो इसका निर्धारण कैसे होता है, जरा बताएंगे? मैं सामान्य जिज्ञासा के तौर पर मैं भी जानना चाहता हूँ। बनाने के ऊपर ऊपर है ना। अच्छा, छोटी बड़ी मान लो जैसे मान लो जिसका। अच्छा, बनाने के बाद हाँ वो हिसाब से बनाए। तो ये पीछे जो नाव खड़ी है ये भी आप ही लोग के दोस्त मित्रों की होगी? हाँ, के परिवार के बिराद है। अच्छा, तो आप कब तक ऐसे इंतजार करेंगे आप लोग? जब तक पानी नहीं घटेगा तब तक इंतजार है। क्या उम्मीद है कब तक पानी सामान्य होगा? पानी अब पिछले तजुर्बे के आधार पे क्या लग रहा है? पानी अब सितंबर का अक्टूबर में जाकर जो है सामान्य होगा। अच्छा, तो तब तक 2-2.5 महीना कैसे काम चलेगा आर्थिक रूप से? कैसे चलेगा, इसी तरह से मान लो अपन चला है, किसी से लेके किसी देखे मान लो खर्च चल ही रहा है, जो जिसका नहीं रहेगा तो कहीं कर चलेगा, कहीं माला अपना पेट तो चला ही नहीं कर, बाल बच्चा का तो जिला ही नहीं ना चलेगा, जिसके माला 10 रुपया है तो अपने माला उसी से कुछ चल रहा है। तो जगह जगह अभी जब मैं आया इस स्थान पर तो आप देख सकते हैं कि लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर गंगा नदी का जल स्तर किस हद तक बढ़ा है। कुछ स्थानीय लोग अभी खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जब मैं आया तो देखा कि कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे और जगह
गांव का ये किनारा है तो एक एक सहज जिज्ञासा बनती है लोगों के लिए, थोड़ा सा प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षण का विषय है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। शहरों में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है कि अलग अलग लोकेशन पर लोग सेल्फी लेते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महज एक जो है कि आकर्षण का केंद्र हो सकता है, लेकिन जिनकी आजीविका गंगा पर टिकी है उनके लिए ये दिन ब दिन परेशानी का सबब बनता जाएगा अगर गंगा के जल स्तर में ठहराव नहीं दर्ज किया गया। अमितेश कुमार सिंह, गाजीपुर।